स्वागत वंदन नमस्कार। आज फिर हम आपको एक बार एक विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात में लेके आए हैं। एक ऐसे युवा साथी से आज आपकी मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने युवाओं के लिए एक माइलस्टोन बना दिया है, एक मिसाल बना दी है। युवा नेता तो ये हैं, लेकिन उसके साथ इन्होंने अपने जीवन में कुछ उद्देश्य से समाज सेवा के लिए भी कार्य किया। नेता नगरी से हटके राजनीति की अगर बात की जाए तो राजनीति में एक युवाओं में प्रेरणा स्रोत तो बने ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर शिवपुरी जिले ने जब जब कष्ट का समय सहा है, चाहे वो कोविड का दौर हो, चाहे बाढ़ का दौर हो, चाहे किसी बुजुर्ग के साथ दिक्कत हो, चाहे किसी ग्रामीण में किसी युवा के साथ दिक्कत हो, ये कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े होते देखें। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं युवा नेता जीतू राठखेड़ा जी से। नमस्कार जीतू जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत कम समय में आपने कई अचीवमेंट्स पा लिए हैं, युवाओं के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत बन के निकल उभर के आए हैं सामने। चाहे कोरोना का दौर रहा हो, चाहे कई अन्य कोई समस्या खड़ी हुई हो, आपने एक सामने आकर एक बहुत बड़ी मिसाल पेश की है, क्या कहना है आपका इस पर? सबसे पहले आप सभी भाइयों का तहे दिल से स्वागत करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने जो मान सम्मान दिया इन शब्दों के माध्यम से, उसके लिए समस्त फास्ट समाचार की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। युवा जोश नाम लेते ही अपने हृदय में, दिल में एक अलग ही तरंग सी उठती है कि हाँ, हम युवा हैं, हम वो भारत देश के वासी हैं जहाँ युवाओं ने जो ठाना है उसको पूरा किया है, उसी उद्देश्य उसी संकल्प को लेके आज एक संकल्प हमने पौरी विधानसभाओं के प्रत्येक युवा साथी ने भी लिया है कि इस भारत देश में पौरी विधानसभा की एक अलग पहचान हो, एक युवा वर्ग में पौरी विधानसभा की एक अलग जगह कि एक पौरी विधानसभा आइडल बन सके इस भारत देश में, कि वहाँ एक रफ्तार शुरू हो विकास के लिए, लोगों के सहयोग के लिए, हर चीज़ के लिए। मैं जानना चाहूँगा कोरोना के दौरान आपने ये मानिए कि जब जिस समय लोग बाग घरों से बाहर पैर रखने के लिए बहुत ज़्यादा हिचकिचा रहे थे, लोग बाग अस्पताल तो छोड़िए, वैक्सीन के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, वैक्सीन की प्रॉब्लम थी, लोगों को इंजेक्शन्स की दिक्कत आ रही थी, लोग बाग ये बोलूँ तो मैं कि दम तोड़ रहे थे, ऐसी स्थितियाँ थी। आपने घर छोड़ के लोगों के घरों पर रात्रि व्यतीत की है, सड़कों पर आपने वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रेरित किया, सड़कों को सैनिटाइज़ करने के लिए गांव को सैनिटाइज़ करा आपने, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और क्या सोच के आपने, मतलब मैं एक जनरल व्यक्ति की बात करूँगा, आज जैसे मैं अपने घर की बात करूँगी या किसी मेरे साथी के घर की बात करूँ तो वो बाहर निकलने में झिझक रहा था, आना तो बहुत दूर की बात है, तो वो सब चीज़ें किस तरीके से आपकी क्या सोच थी उसके लिए? जी अक्सर एक मैं मध्यम वर्ग परिवार से हूँ, मेरे पिताजी ने एक छोटे से स्तर से अपने राजनीतिक का सफ़र तय किया है, हमने हर पड़ाव पर संघर्ष को देखा है और अक्सर हमारे वरिष्ठजनों ने, हमारे स्कूल हो या कॉलेज हो, इसमें हमारे अध्यापकों ने हमें सिखाया है कि जब संकट की घड़ी हो वो एक निखरने का समय रहता है, लोगों की मदद करने का समय रहता है, यही समय आपातकालीन कह सकते हैं इसको, किसी ने सोचा नहीं था कि हमारे बीच ऐसी एक बीमारी आएगी जो हमसे अपनों को हम छीन के ले जाएगी। ऐसा संकट का दौर आया तो हर युवा साथी का कर्तव्य था, धर्म था, और उसी धर्म का और कर्तव्य को का पालन करते हुए मैं समस्त प्रशासन के साथ सड़कों पे आया। डर तो मुझे भी लग रहा था, मेरा परिवार था, मेरे भाई बहन थे, मेरी बेटी थी, लेकिन एक दिल में जोश था कि यदि इस समय मैं अपने परिवार की, क्योंकि मैं पौरी विधानसभा को, विधानसभा नहीं वो मेरा परिवार है, क्यों उस परिवार ने मुझे और मेरे परिवार को एक अलग पहचान दी है, मैं उस पूरी विधानसभा को परिवार के नाते पूजता हूँ, और ये मेरा कर्तव्य और दायित्व था, आपके सेवक सुरेश राठखेड़ा जी का भी दायित्व था, तो उन्होंने अपने हर संभव प्रयास किया जिससे वो सुविधाएँ उपलब्ध करा सकें पौरी विधानसभा के लिए, जिससे वहाँ हम अपने परिवार के लोगों का बचाव कर सकें, और उन्हीं ने मुझे निर्देश दिया, आदेश दिया कि बेटा फील्ड में
हर उस स्तर पर जाके प्रयास करो अपनों के लिए कि जिससे हम अपनों की मदद कर सकें। बस उसी आदेश और निर्देश का पालन एक बेटे होने के नाते मैंने किया और जो हर संभव प्रयास मुझसे हो सका वो मैंने किया। और मुझे आज गर्व है कि मेरी वजह से यदि एक भी मेरे परिवार के सदस्य का कि इस बीमारी जैसे महासंकट काल में सहयोग यदि मैं कर पाया हूँ तो मुझे मेरे जीवन के सार्थक होने का एक आप गर्व कह सकते हैं या स्वाभिमान कह सकते हैं। इसी दौर में अगर बात करें हम शिवपुरी ज़िले की, तो शिवपुरी ज़िले में एक प्राकृतिक आपदा ने पूरे देश में शिवपुरी का नाम कोने कोने तक पहुंचा दिया। वो आपदा थी अभी कुछ ही दिन पहले आई शिवपुरी की बाढ़। शिवपुरी अगर बात की जाए समुद्र तल से काफ़ी ऊंचाई पर है, क्योंकि शिवपुरी एक ठंडा आपको पता होगा ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करता था सिंधिया स्टेट की एक समय में। लेकिन ये बाढ़ का दौर शायद जो मैंने लोगों से सुना, जो बुज़ुर्गों से सुना जिनकी उम्र 80, 85 साल, 90 साल है, उन लोगों ने भी कहा कि हमने भी ऐसी बारिश कभी नहीं देखी। उस दौर में भी आपने लगातार जो बारिश का दौर रहा, लोग परेशान रहे, और स्पेशली पौरी विधानसभा की नरवर बेल्ट और पौरी विधानसभा के बैराड़ के कुछ क्षेत्रों में तो पार्वती नदी ने सिंध के मुहानों पर आफत मचा दी थी। उसको कहेंगे प्रलय, एक तरीके से प्रलय थी, पानी की प्रलय मच गई थी। उसमें भी आपने काफ़ी लोगों की मदद की और जितने लोग हो सकते थे उतने आपने सुरक्षित निकालने का प्रयास भी किया। आपको आपने उस दौर में सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी कि जहाँ पर लोग बाग पानी में जाने से पैर रखने तक से डर रहे थे, और आप उस समय बोट के द्वारा कई जगह पे आप गए, कई गांव में आप पहुँचे प्रशासन की टीम के साथ, तो आपको कहीं डर नहीं लगा, ऐसा नहीं लगा कि मेरे परिवार है, मेरे बच्चे हैं, क्या होगा? जैसे मैंने अभी आपने पूछा था कोरोना काल के ऊपर, जैसे मैंने उस दौरान अपने लोगों की मदद करने का काम और जिम्मा मैंने उठाया था, और जैसे ही हम उस चीज़ से निकलते गए लोगों ने मेरे काम को लेकर, मुझे लेकर, अपने छोटा बेटा होने के नाते या छोटा भाई होने के नाते मेरी सराहना की। उस आशीर्वाद, वो सराहना नहीं, मेरा आशीर्वाद था उन लोगों का, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। वो आशीर्वाद इतनी ताकत हो गई कि जब दूसरी बार हमारे बीच जो हमने कभी ना नहीं सोची थी कि बाढ़ जैसे हालात होंगे, ऐसा दौर आया। तत्काल आपके सेवक श्री सांठखेड़ी उस समय भोपाल थे, तो उन्होंने मुझे निर्देश दिया कि प्रशासन अपनी पूरे तरीके से इस बाढ़ जैसे काल में जुट चुका है, तुम भी घर से निकलो और प्रशासन का सहयोग करो और जितना हो सके उस स्तर पर जाके अपने लोगों की, अपने परिवार के लोगों की, जो उन गांव में फंसे हुए थे वो मेरे परिवार के लोग थे, उनको बचाने का मेरा कर्तव्य और धर्म था, उसी उद्देश्य को लेकर मैं निकला। लेकिन हाँ, डर जब हम ट्यूब वाली नाव में बोटिंग में हम जा रहे थे, जिन खेतों में हम हल चलाया करते थे हमारे परिवार के लोग, उन खेतों में हमने बोट के माध्यम से हम गए। कई जगह तार फेंसिंग थी, डर था कि यदि तार फेंसिंग का एक भी कीला इस बोट में चुभ जाता है तो ये बोट धराशायी हो सकती है। लेकिन जैसे ही मैंने आगे हाथ और पैर अपने कदम बढ़ाए इस चीज़ के लिए, प्रशासन का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे संकट काल में कदम से कदम मिलाकर उनने परिवार की रक्षा की और परिवार के लोगों को सुरक्षित निकाला। ये हमारा गर्व है कि इतना आपातकालीन पहले हमारे यहाँ आई, लेकिन हमारे यहाँ जनहानि नहीं हो पाई। और हमने हर स्तर पर जाकर, वो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह चौहान जी, परम सिद्ध महाराज साहब ज्योतिराज सिंधिया जी के प्रयासों से बाढ़ जैसे हालात तो हुए, लेकिन उनको हर आर्थिक मदद, चाहे हमने 3 सर्वे करवाए, एक हमारा जो मकान वगैरह कच्चे मकान टूटे उनका अलग सर्वे कराया, पशु हानि हुई उसका अलग सर्वे कराया, उसके बाद हम फील्ड में अधिकारी भी हमारे साथ, कर्मचारी अधिकारी प्रशासन हमारे साथ गया खेतों पर जा के। किसान जब तक संतुष्ट नहीं हो रहा कि भाई मेरा क्या नुकसान हुआ है, क्या नहीं हुआ, हर वो स्तर पर जाके कि कल हमारे परिवार के लोग ये ना कह सकें कि आज हमारे बीच में से हमारा सेवक मध्य प्रदेश शासन के उन 34 मंत्री महोदयों के बीच बैठा हुआ है। तो उन्होंने हर संभव प्रयास अपने वरिष्ठ नेतृत्व से दिलाई और आज वो फिर से वो स्थितियाँ न्यूटन है और फिर से हमारा और ये विधानसभा परिवार एक विकास की ओर रफ्तार लेकर आगे बढ़ रहा है। और इसी उद्देश्य को निरंतर हम आगे रखेंगे, चाहे वो कोविड हो या वो बाढ़ हो। अब हमारा सबसे ज़्यादा फोकस हमारे आने वाली जो संभावित तीसरी लहर बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ,
हमारे वरिष्ठ जन, उसको किस तरीके से हम अपनी पौरी विधानसभाओं में सुरक्षित कर सकते हैं। अगर बात की जाए कैंपों की, तो आपने कैंप भी लगभग मेरे हिसाब से 200 से 250 कैंप आपने स्वयं लगवाए हैं, जो मेरे जानकारी में है। कई कैंप्स की जानकारी आपके द्वारा स्वयं बताई गई, लोगों को जागरूक करने के लिए आप खुद घर पे घर घर लोगों के घर गए हैं जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में भी आपने स्वयं जाके सबसे पहले अपना फ़ोटो दिखाकर, इवंदन मंत्री जी का फ़ोटो दिखाकर और लोगों के फ़ोटोज़ दिखाकर कि देखो सब जब इतने बड़े बड़े लोग लगवा रहे हैं तो अपन क्यों नहीं लगवाएं, उसको इन सबको लोगों को प्रेरित किया और लोगों को कन्वर्ट किया कि हाँ वो लगवाएं। तो उसमें क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? जैसे आपने वैक्सीन का विषय उठाया, हाँ ये वास्तव में अटल सत्य है कि जब वैक्सीन आई, चाहे वो विरोधी दल कहें या कुछ लोगों के द्वारा, समस्त प्रदेश में, भारत देश में हो, वो इस तरह लेकर पौरी विधानसभा के प्रत्येक गांव में एक रूमर फैला है कि ये वैक्सीन हमारे लिए लाभदायक नहीं है, ये है वो है, तमाम तरह की रूमर फैला, उनसे हमारा आदिवासी वर्ग, क्योंकि उन वो सबसे ज़्यादा भ्रमित इसलिए हुए क्योंकि शिक्षा का एजुकेशन का स्तर अभी भी उनके बीच कम है अन्य वर्गों के माध्यम, तो वो इस रूमर में सबसे पहले आए। और ये मैं आपको इसका एक उदाहरण देना चाहूँगा, हम मैं जब पूरे प्रशासन साथ में था, हम नहरगढ़ा पहुँचे, वहाँ ये स्थिति थी कि आदिवासी मोहल्ले में जब हम वैक्सीन के लिए अपील करने गए, कोरोना टेस्टिंग हम जब कर रहे थे उनकी, तो वो लोग पत्थर लेके, किसी के हाथ में डंडा था तो किसी के हाथ में कुछ था, तो वो लेके हमारे ऊपर हावी हुए, तो हम उस समय पीछे हटे दो कदम और हम वापस आए। फिर हमने दोबारा हमारे प्रशासन और आपकी सेवक सुरक्षा जी के नेतृत्व में फिर से प्लानिंग की कि हम अपनों को किस तरीके से इस चीज़ के बारे में समझा सकें कि ये आपके लिए लाभदायक है। और आज जब वैक्सीन सेंटरों पर लाइन लगी हुई देखते हैं तो वास्तव में गर्व होता है कि हमारी मेहनत सफल हो रही है, हमारा प्रयास सफल हो रहा है। और आज पौरी विधानसभा ने, जब मध्य प्रदेश शासन ने 7 दिन का विशेष अभियान चलाया था, उस समय 5 दिन अम्बल दर्जा प्राप्त किया जिले में, तो वो वास्तव में हमारी मेहनत सार्थक होते हुए दिखी उस दर्जे से। भविष्य की अगर बात करें तो भविष्य को लेके आपकी क्या प्लानिंग है? बड़े भाई, भविष्य किसी ने देखा नहीं है, लेकिन हाँ एक भविष्य की कल्पना परिकल्पना कर सकते हैं। उस आधार पर सिर्फ मैं अपने युवा साथियों से कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को इकट्ठा होना है, क्योंकि छोटे क्लास में जब हम पढ़ते थे तो हमें हमारे अध्यापक वर्गों के द्वारा बताया जाता था कि लकड़ी का गट्ठा यदि इकट्ठा कर दिया जाए तो वो टूटता नहीं है, और एक अकेली लकड़ी हो तो वो टूट जाती है। जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे तो हमें हर कोई आएगा, बकलाएगा, गुमराह करेगा और हमें एक दूसरे में तोड़ देगा। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें इकट्ठा होकर ऐसा साबित करना है कि कोई हमारा शोषण ना कर सके, हमें हमारे वरिष्ठ नेतृत्व के मार्गदर्शन में एक बेरोजगारी से एक रोजगार की ओर अवतार लेना है। जैसे कि आज हमारे यहाँ जिले में पौरी विधानसभा की मैं बात करूँ, परम सिद्ध महाराज साहब और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रयासों से नल जल योजना जल मिशन के माध्यम से आ रही है। ये योजना पानी के नज़रिए से तो बहुत ही सार्थक है, क्योंकि पौरी विधानसभा के प्रत्येक गांव में हर घर में नल पहुंचेगा, साथ साथ ये 500-700 कर्मचारियों की रोजगार भी देगा। तो हम उससे क्या है, हर गाँव में नल ऑपरेटिंग ऑपरेटर, टंकी ऑपरेटर, सप्लाई ऑपरेटर के तौर पर वहाँ अपने लोगों को वहाँ हम रख सकेंगे, जिससे उनको अपने ही गांव में रोज़गार मिल सकेगा। इसी छोटी छोटी कई युवा साथियों से मैं निवेदन करता हूँ कि आप समूह बनाइए, उन समूहों के माध्यम से हम शासन के द्वारा जो संभव प्रयास होगा, मैं और आपके सेवक सुरेश जी के माध्यम से और उनके वरिष्ठ नेतृत्व के माध्यम से आपको रोज़गार दिलाने का संकल्प मेरे दिल में है। उसी संकल्प को लेकर मैं हमेशा हर रोज़ घर से निकलता हूँ, और जब तक मेरा मन प्रसन्न नहीं होता, जब तक मैं किसी गांव में नहीं पहुँच जाता, जब तक अपनों से नहीं बात कर लेता, जब तक मैं जो परेशान व्यक्ति है उसकी मदद नहीं कर पाता, यही मेरा भविष्य का संकल्प है। और परमात्मा जाने
फास्ट समाचार के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? फास्ट समाचार टीम के माध्यम से मैं समस्त जो इस समय मुझे देख रहे हैं उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें बहुत सी छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना है। हमेशा शासन प्रशासन का सहयोग करें, चाहे आसपास की सफाई करकर। सफाई अभियान का बढ़ावा होगा जब हम अपने आसपास सफाई करें। दूसरा, जो लोग अभी भी वैक्सीन से गुमराह हो रहे हैं, जिन लोगों ने फर्स्ट डोज ही नहीं लिया किसी कारणवश, उन लोगों को प्रेरित करें कि वो फर्स्ट डोज लें। जिन लोगों ने फर्स्ट डोज ले लिया है और वो सेकंड डोज नहीं ले रहे हैं, उनको भी केंद्र तक लाने का प्रयास करें कि वो सेकंड डोज ले सकें। हमारे आसपास किसी बहन बेटी पर कोई अत्याचार हो रहा है, आप इतने समृद्ध नहीं हैं कि आप आगे आके उनकी मदद कर सकें। पीछे हो कि शासन को अवगत कराएं, शासन की मदद करें। और एक विशेषकर मेरा आपसे निवेदन है कि भगवान न करे कभी कोई रोड पर एक्सीडेंट हो जाए तो आप उस भीड़ का हिस्सा ना बने कि उसको देखने वाले हों कि अरे क्या हुआ, कितना लगा है, क्या। तत्काल उसकी मदद करें, क्योंकि शासन ने भी कहा है कि जो व्यक्ति घायल अवस्था में व्यक्ति को अस्पताल तक लाएगा उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। जो भी कार्रवाई होगी पूरी जाँच प्रतिवेदन होने के पश्चात ही कार्रवाई। ऐसी संदेश को लेकर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये थे हमारे साथ जीतू राठखेड़ा। आपने देखा जिस तरीके से श्री राम के साथ संकट काल में जब भी ऐसी कोई बात आई तो हनुमान जी एक संकट निवारक बन के उभरते थे। ये आपने और हमने दोनों ने रामायण में पढ़ा है। उसी तरीके से अगर जब जब पौरी विधानसभा पे संकट का दौर आया, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी बनती है वहाँ के जन नायक जन सेवक पर, तो वो सुरेश राठखेड़ा जी वहाँ से विधायक हैं, जनता ने उनको चुना है, तो जब जब उन पे ऐसी बात आती है तो संकट निवारक के रूप में उनके पुत्र ने हर बार आगे बढ़ के काम किया है और जनता की सेवा के लिए वो संकल्पित रहते हैं। तो इसी तरीके से हम आपको मिलवाते रहेंगे युवा नेताओं से। आज हमने आपसी मुलाकात कराई जीतू राठखेड़ा से। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए फास्ट समाचार पर। मैं अजय राज सक्सेना।